जोधपुर के आधार ताल में विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जोनल कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें हॉकर जोन की व्यापारी और अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की गई। कांग्रेस नेता चवन पासी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और व्यापारी जोन कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कांग्रेस नेता और व्यापारियों का कहना है कि लगातार इलाके में परेशानियां चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि जल्द ही समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। आज नगर निगम में हम लोग आए हुए थे, सभी व्यापारी लोग। आज से 2 साल पहले माननीय विधायक जी और महापौर जी द्वारा भूमि पूजन हुआ था, जिसमें हम लोगों के पास कम से कम 20 बार ठेकेदार के नाम पे नपाई हो चुकी है, सीमांकन हो चुका है, बजट बन चुका है, सब हो चुका है। ये सुनते सुनते 3 वर्ष गुजर गए हैं, न अभी तक न सेट बन पाया न कुछ बन पाया, और आला अधिकारी इतने आलस्य होते जा रहे हैं कि बरसात की 6-7 बरसातें गुजर गई, 11 साल से ज्ञापन देते देते थक गए हैं, आंदोलन निवेदन निवेदन कर करके थक गए हैं। अगर इसका जल्द से जल्द निराकरण नहीं भी निकाला गया तो उग्र आंदोलन की आगाहन हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। इसलिए संभागीय कार्यालय से, कलेक्टर साहब से, महोदय साहब से, विधायक जी से, महापौर जी से, सांसद जी से, मुख्यमंत्री जी से सबसे मैं यही निवेदन करता हूँ, इतने वर्षों से ज्ञापन दे रहे हैं, अगर ये स्वीकृत हो गया है तो इसको करवाएँ, और नहीं हो सकता है तो ये सब चमत्कार टाइप के दिखाना बंद कर दें और झूठे अफवाह फैलाना बंद कर दें। नीरज कुमार दुबे, सब्जी मंडी अध्यक्ष। आज आधारताल पर जो व्यापारी संघ एवं उपनगरीय क्षेत्र आधारताल के कांग्रेस जनों के द्वारा नगर निगम आधारताल जोन के संभागीय अधिकारी श्री मिश्रा जी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन पत्र में ये मांग की गई है कि गत 8 अक्टूबर 2022 को आधारताल हॉकर जोन के नवनिर्माण कार्य के लिए हॉकर जोन व्यापारी संघ के प्रयास से 23 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई थी, वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन अभी तक आधारताल हॉकर जोन का नवनिर्माण कार्य चालू नहीं किया गया, तो इसे तत्काल चालू कराया जाए। आधारताल तालाब सीसी रोड निर्माण कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर बड़े उत्सव पर्व में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, नवरात्रि में विजयदशमी पर्व पर दुर्गा जी की प्रतिमाओं का भी विसर्जन किया जाता है, और साल के 2 नवरात्रि जो पर्व हैं उन पर्वों के दौरान जवारों का भी विसर्जन होता है, और साथ साथ छठ का पर्व भी वहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो सड़क है बहुत जर्जर है, इसलिए उस सड़क को सीसी रोड बनाया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो फार्म हैं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत 18 मई को जबलपुर के विभिन्न वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर लगाए गए थे, उन शिविर में क्षेत्र के नागरिकों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता के फार्म जमा किए थे, उन फार्मों को जमा किए हुए आज लगभग 4.5 महीने का समय व्यतीत हो गया है। जितने नागरिकों ने सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के फार्म जमा किए हैं उनमें से किसी भी एक का आज तक प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया, आखिर ऐसा क्यों? क्या नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री के आदेश है कि नए प्रकरण स्वीकृत नहीं करना है क्या? आखिर ऐसा क्यों? और आगामी नवरात्रि एवं विजयदशमी पावन पर्व भी करीब है, उस पर्व को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों में आधारताल जोन के अंतर्गत जो विभिन्न वार्ड हैं पूरे वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों का मरम्मतीकरण और आधारताल तालाब जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर समुचित व्यवस्थाएँ कराई जाए, हमारी ये संभागीय अधिकारी से मांग है। यदि तमाम समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन के लिए बात दूंगी। चमन पासी, जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।